हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वार्डरोब के बारे में। अगर आपको फ्रेम में वार्डरोब बनानी है तो फ्रेम के अंदर कैसे वार्डरोब बनाई जाती है, आज आप वीडियो पूरी देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये अलमारी है वार्डरोब पूरी, आप इसको देख सकते हो पूरी साइज इसकी। इसकी चौड़ाई तो 10 फीट है और तकरीबन इसकी हाइट 12 फीट है। ये हमने फ्रेम के अंदर बनाई हुई अलमारी, आप यहाँ से इसको चेक करो। ये जाओ, इसमें अभी दराज नहीं बनी, इस बॉक्स में दो दराज बनेगी, इसमें एक पल्ला लगेगा। ये हमने ये लगाई इसके लिए, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक वाली चिटकनी है। इसको अपन गेट को बंद करते ही ये ऑटोमेटिक से लग जाएगी और ये इसमें लॉक लग जाएगा। ये वाली चिटकनी लगाएगी इसके अंदर। बहुत से तो वो दूसरी वाली चिटकनी लगाते हैं जो उठकर बैठकर हमें लगानी पड़ती है, ये वाली चिटकनी काफी बेस्ट है। अगर आपको अलमारी वगैरह बनानी हो तो ये वाली चिटकनी लगाए। और ये ऊपर बड़े सामान रखने के लिए अपने पोजिशन छोड़ा है इसके ऊपर। इसमें बड़े सामान रखने हो जैसे जय हो जाए कपड़े वगैरह सूट केस, तो आप ऊपर रख सकते हो, इसमें नीचे तुम कपड़े जमा सकते हो। इसकी पूरी हाइट 12 फीट है और चौड़ाई 10 फीट इसकी। तीन पार्ट बनाई हमने, तीन अलमारी बनाई है फ्रेम के अंदर। आप इधर आओ, ये चापस की अलमारी है और सादा कब्जे में अलमारी है। आप इसके कब्जे देख सकते हो, सादा कब्जे में अलमारी है और पूरी फ्रेम में बनाई हुई है। इसको चापस अलमारी भी बोलते हैं, फ्रेम के अंदर ही है। ऊपर का भी आप देख सकते हो पूरा खाली है। यहाँ पर इन्होंने टांड का शोकेस छोड़ रखा था, टांड के अंदर ये अलमारी बनाई है। तीनों के अंदर सेम चीज पूरी है, देखो तीनों में सेम चीज है। और इन जो पल्लों की है लंबाई तकरीबन इनकी लंबाई 6 फीट है और 16 इंच की चौड़ाई है। एक पल्ले की 16 इंच चौड़ाई है, 6 फीट के लंबे हैं, तो साथ से बनाए गए हैं। ऊपर के हैं जो 4 फीट लंबे हैं और वो 16 इंच है। देख सकते हैं हमें पूरी अलमारी का स्कोर। अगर आपको ये अलमारी अच्छी लगे कमेंट करें एंड लाइक करें और शेयर करें और हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आप देख सकते हैं अलमारी पूरी फिनिश है, कंप्लीट है, फिटिंग वगैरह सब लग चुकी है इसके अंदर, बस अंदर दराज का काम बाकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी कमरे के अंदर हमने एक परिवर्तन को बना हुआ है वॉइस कॉटेज का, इसमें कांच लगेंगे और सेल्फ वगैरह लगेंगे। अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कम्प्लीट होना बाकी है। यहाँ पर दो पर्दे लगेंगे छोटा सामान रखने के लिए, यहाँ पर डोर लगाई जाएगी यहाँ पर, और ये ओपन रहेगा, ग्लास लगेगा इसके अंदर। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड, ये हमने वार्डरोब बनाई है। इसकी पल्ले की लंबाई तकरीबन 6 फीट है और इसकी चौड़ाई 16 इंच है। आप देख सकते हैं इसमें फ्रेम है, इसमें ये पत्थर लगे हुए हैं। फ्रेम के अंदर हमने ये अलमारी बनाई हुई है पूरी कंप्लीट, इसमें दो दराज और इधर की तरफ एक पल्ला। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें ये ऑटोमेटिक चिकन लगी हुई है। इस गेट को बंद करते हैं, डोर को बंद करते हैं, ये कम्प्लीट लॉक हो जाएगा सिस्टम। आप इधर देख सकते हैं, इधर भी अगर यही सीन है, उधर सीन का हमने ये फ्रेम में बनाई हुई है। इधर की तरफ ये पट्टी लगाकर 6 mm की पट्टी दी हुई है गैप के लिए, मार्जिन के लिए। आप देख सकते हैं इसको, और सादा कब्जे में ये बनाई हुई है हमने अलमारी। और ऊपर अगर आपको ऊपर भी अगर आपके टांड है ऊपर शोकेज है तो आप ऊपर इस तरीके से बना सकते हैं। और हमने ये वाली चैनल लगाई है ताकि पूरा ये डोर ओपन नहीं हो और इससे अपनी मायका टूटे ना, सनमायका ना टूटे, ये डोर पूरा ओपन नहीं होगा। ये चैन लगाई हुई है ऊपर, हमें रजाई रखनी हो, कोई बड़ा सामान रखना हो तो आप टांड को यूज में ले सकते हो। अगर आपके ऊपर टांड है तो उसको यूज में ले सकते हो ऊपर बना के। ये पूरी कंप्लीट डार्क और व्हाइट माइका में बनी हुई है, आप इसका कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। यहाँ पर ये बालकनी छोड़ रखी थी यहाँ पर इन्होंने, तो यहाँ का सी हमने इस तरीके से लिया हुआ है। यहाँ पर बॉक्स बना के और स्टैंड को भी हमने कवर किया था, ये गैप था यहाँ पर, तो इस गैप को हमने कवर किया है ताकि वेस्टेज चीज अपनी जाए ना, वेस्टेज जगह जाए ना, और ये डोर भी पूरा ओपन हो जाए। इस तरीके से ये बनाई हुई है। अगर ये अलमारी हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी ताकि हम इससे अच्छी अच्छी नई नई वीडियो बनाते रहते हैं। ओके फ्रेंड।